उदाहरण सात, दिया है GE कोण DGF तथा कोण DEF का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है त्रिभुज GDE सर्वांग सम त्रिभुज GFE। अब हमारे सामने उदाहरण सात है बच्चों, और इसमें भी हम फिर से सर्वांग समता के गुण का उपयोग करेंगे। आप देखिए इस चित्र में एक चतुर्भुज दिया हुआ है आपके सामने DGFE, और हमें ये जानकारी दी गई है कि रेखाखंड GE कोण DGF और DEF दोनों को समद्विभाजित करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर G पर एक कोण बन रहा है और E पर भी एक कोण बन रहा है, और ये जो रेखाखंड GE है वो इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, ये हमें दिया हुआ है। यानी आपको पता है कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये सूचना हमें दी हुई है, ये जानकारी हमारे पास है। और हमें ये सिद्ध करना है कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांग सम है, त्रिभुज DGE और त्रिभुज FGE। तो चलिए देखते हैं, दो सूचनाएं हमारे पास हैं और आप जानते हैं कि हमें एक और जानकारी चाहिए जो हमारी मदद कर सके त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने में। बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि GE जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में है, और एक अकेले ये सूचना हमें पर्याप्त होती है ये सिद्ध करने के लिए त्रिभुज सर्वांग सम है। तो चलिए इनको लिख लें, हम यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखना बहुत आसान है। बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यामिति को हमें प्रमेय को याद करना पड़ता है, लेकिन आप देख लें कि यदि आपको पता चल जाए आप क्या करने वाले हैं और आपको इन आकृतियों का नाम पढ़ना आता है तो आप बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। आपको इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करनी तो हम लिखें पहले त्रिभुज का नाम, त्रिभुज DGE, ये आप लिख सकते हैं त्रिभुज DGE, और दूसरा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज है इसका नाम आप लिख सकते हैं FGE। त्रिभुज FGE में हम इन दोनों त्रिभुजों में जो जानकारियाँ दी गई हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी पहली लाइन होती है दोनों त्रिभुजों के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, इस कोण को हम पढ़ेंगे DGE। तो हम लिखें कोण DGE बराबर, ये इस कोण के बराबर है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको आप क्या पढ़ सकते हैं FGE। तो अब लिखें कोण FGE। उसी तरह से इधर आप देखिए ये रेखाखंड इस पूरे को दो हिस्सों में बांटता है और दोनों हिस्से बराबर हैं, मतलब ये जो ऊपर का त्रिभुज का हिस्सा है कोण है वो इस कोण के बराबर है, इसका आप क्या नाम लिखेंगे DEG। लिखिए कोण DEG, क्षमा कीजिएगा ये कोण है DEG बराबर कोण FEG। और तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि भुजा GE दोनों त्रिभुजों में है, तो आप इसको लिखें GE बराबर GE। इन तीनों परिणामों के आधार पर आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। इस बात को हम इस तरह से लिखें त्रिभुज DGE सर्वांग सम है इस नीचे वाले त्रिभुज के, इसे आप पढ़ेंगे त्रिभुज FGE, त्रिभुज FGE, और यही आपको सिद्ध करना था। देखिए बहुत आसान है, पिछले उदाहरणों में भी आपने यही किया जो कोण दिए हुए थे, उनके अलावा आपने एक जानकारी और ढूंढी जो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, समान है, और उसके आधार पर आपने बताया कि कोण भुजा कोण या भुजा कोण भुजा, इनके आधार पर त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण के आधार पर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, और ये कथन आपने लिखा और ये सवाल आपका हल हुआ।